Good morning, everyone. Today we will start lesson 10, The Prisoner, means Kaidi. And there is also a part of grammar, main clause and subordinate clause. And you have already known about the clauses. So, we will know about it after reading this chapter. And I have also told you the new words, Hindi meaning of new words. Still I am repeating the pronunciation of the words, so listen carefully. Aton means prashchit, bikon means isare se bulana, chat means vartalap karna, baatchit karna, gapshap karna, clamor means shor karna, corrupt means brushed, courtyard means aangan ya prangan, curious means utsuk ya jigyashu, defense means bachav ya suraksha, deserve means yogya ya kabil, drag means khichna ya gazetna, forthwith means turant or tatkal, gaoler means jailer ya kara adhyaksh, injustice means anyay, innocence means nirdos ya nirdosita, jail means karavas ya karagar, moment means pal, chan ya samay, pardon means maafi ya shamadan, prison means kaidi, prison means jail ya karavas, prisoner means kaidi, protest means virodh karna, punish means saja dena, release means mukt karna ya chhod dena, repent means prashchit karna, reply means uttar ya jawab dena, surprise means ashchari ya achambit, unjust means anyay purn, welfare means khairiyat ya bhalai. Now I am reading the story and you listen carefully and try to understand this story. King William I of Germany was on his visit to the prison at Potsdam. Germany ka raja William I, Potsdam ek jagah ka naam hai jahan uska ek karavas tha, woh visit ke liye gaye the. He moved around and chatted with the prisoners asking them about their welfare. Woh charo aur ghoom kar अपने कैदियों की खैरियत पूछ रहे थे, उनकी हालचाल पूछ रहे थे. Each one of them told him this his sad story of injustice done to him and how he had been dragged into jail in spite of his innocence. उनमें से प्रत्येक अपनी दुख भरी कहानी उसे बता रहे थे कि उनके साथ अन्याय हुआ और कैसे उन्हें उनकी निर्दोषिता के बावजूद उन्हें घसीटकर जेल में डाला गया. माई लॉर्ड वन सेड वन ऑफ देम, उनमें से एक ने कहा, महाराज आई हैव डन नथिंग रॉन्ग, मैंने कोई भी गलत नहीं किया, कोई भी गलत काम नहीं किया. दे हैव ड्रैग्ड मी इनटू दिस प्लेस आफ्टर हियरिंग सम विटनेसेस, वे लोग मुझे कुछ गवाहों को सुनने के बाद यहाँ घसीट कर लाए. द प्रिजनर्स क्लैमर्ड अराउंड हिम एंड ऑल प्रोटेस्टेड देयर इनोसेंस, सारे कैदी उनको चारों ओर घेर कर शोर कर रहे थे और अपनी निर्दोषिता का विरोध कर रहे थे. इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट द किंग नोटिस्ड ए यंग मैन स्टैंडिंग अलोन इन ए फार कॉर्नर ऑफ द प्रिजन कोर्टयार्ड. यह वह पल था जब राजा ने देखा कि एक युवा व्यक्ति जेल के आंगन में एक कोने में अकेला चुपचाप खड़ा था. ही हैड नाइदर डन एनी शाउटिंग नो ट्राई टू स्पीक इन हीज ओन डिफेंस, वह ना ही कुछ कह रहा था, ना ही कोई आवाज़ कर रहा था और ना ही अपने बचाव के लिए कुछ बोला. द किंग क्यूरियस टू नो अबाउट द मैन,
राजा उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। बिकोन टू हीम टू कम नियर, उसने उसे इशारे से बुलाया उसके पास आने के लिए। एज द मैन अप्रोच्ड हिम द किंग आस्क्ड हिम इफ ही ऑल्सो वॉज इनोसेंट लाइक ऑल द अदर्स अराउंड हिम। जैसे ही वह व्यक्ति राजा के पास पहुंचा, राजा ने पूछा क्या वह भी उनके चारों ओर जो अपने बारे में निर्दोषता का जाहिर कर रहे थे, क्या वो भी एक निर्दोष व्यक्ति है। नो योर मैजेस्टी ही सेड, उसने कहा नहीं महाराज, आई हैव डन दिस रोंग थिंग, मैंने यह गलत किया है, मैंने गलत काम किया है। एंड आई डिजर्व टू बी पनिश्ड, और मैं सजा के काबिल हूँ। आई एम राइटली पनिश्ड फॉर माई क्राइम, मैं अपने क्राइम के लिए, अपराध के लिए सजा का पूर्ण हकदार हूँ। आई हैव नो राइट टू आस्क फॉर पार्डन, मुझे क्षमा मांगने की या क्षमादान की कोई अधिकार नहीं है। द किंग वॉज ग्रेटली सरप्राइज टू हियर सच ए रिप्लाई, राजा इस तरह का उत्तर सुन के पूरी तरह से अचंभित हो गए। ही रियलाइज्ड दैट दिस वॉज द वनली पर्सन हु रिपेंटेड ऑफ हिज क्राइम एंड वॉज रेडी टू अटोन फॉर इट। राजा ने महसूस किया कि वह एक अकेला व्यक्ति था जिसे अपने अपराध के लिए पछतावा था और उसके लिए प्रायश्चित करने के लिए भी तैयार था। ही टर्न टू द गॉलर एंड सेड, वह जेलर के पास गया और कहा हियर वी हैव सो मैनी इनोसेंट पीपल, यहाँ हमारे पास बहुत से निर्दोष लोग हैं, हु आर सफरिंग अनजस्टली, जो अन्याय से पीड़ित हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय बर्दाश्त कर रहे हैं। दे आर टू गुड टू लिव विथ दिस पर्सन, वे लोग इस व्यक्ति के साथ भी बहुत अच्छे हैं। यू मस्ट देयर फोर गेट राइड ऑफ दिस मैन एट वन सो दैट ही मे नोट करप्ट ऑल द रेस्ट, सेंड हिम आउट, इसलिए इसे मुक्त कर देना चाहिए ताकि फिर इसके आगे कोई करप्ट, इसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो, उसे बाहर निकालो। द यंग मैन वॉज रिलीज्ड फोर्थविथ, और वह युवा व्यक्ति तुरंत ही मुक्त कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो ये कहानी हमारी कंप्लीट हो गई, और यह कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि यहाँ जो एक प्रिजनर है, वह प्रिजनर बहुत से लोग हैं, कैदी हैं, सब कोई अपने निर्दोषिता के बारे में राजा से चर्चा किए, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जो कि कभी अपने बारे में कुछ बोलने, अपने बचाव में कुछ बोलने का कोशिश नहीं किया, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास था, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार किया, और इसलिए जब उसे पूछा गया कि क्या वह निर्दोष है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने क्राइम किया है और मैं क्राइम के लिए सजा का हकदार हूँ। और देखिए, उसकी ईमानदारी की वजह से उसकी सजा मुक्त कर दी गई, उसे छोड़ दिया गया। तो हमें इस कहानी से यही सीखना चाहिए कि हमें अपने गलतियों का एहसास होना चाहिए, हमें उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए, और हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि ईमानदार के लिए कोई ना कोई फल होता है। जिस तरह से किसको क्राइम करने के बाद भी उनकी ईमानदारी की वजह से छोड़ दिया गया, तो उसी तरह जब हम अपनी गलतियों का एहसास करते हैं और उसके लिए प्रायश्चित करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, तो हमें सामने वाला माफ़ कर देता है। तो यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।